ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। 109 फीट ऊंची इमारत को अर्थ से फर्श में गिराने के लिए सिर्फ 7 से 8 सेकंड लगा। ये भारत की बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, जो कि भारत में पहली बार हो रही थी, की मनमानी का किस तरह से भारत सरकार जवाब देती है, इसका ये बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इसको गिराने में डायनामाइट 3700 किलो और वाटरफॉल टेक्निक का यूज किया गया, जो कि ट्विन टावर को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जनी अब जायसवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं लेके आई हूँ कि ट्विन टावर को किस प्रकार से ध्वस्त किया गया या मलबे में तब्दील किया गया। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ये देखिए 109 मीटर ऊंची बिल्डिंग किस तरीके से, बिल्कुल सेफ तरीके से इसको गिराई जाने वाली है, जो कि ठीक 2:30 पे होने वाली है। ये देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आगे आपको ये वीडियो मैं दिखा रही हूँ वहाँ की बिल्डिंग, जो कि चारों तरफ की बिल्डिंग को ढका गया है, किस तरह से उसके धुएं के गुबार को रोका जा सके, क्योंकि इसकी वजह से सांस लेने में काफी परेशानी हो सकती है। तो देखिए अब बचुके देखिए ये देखिए, अरे ये क्या हुआ, क्या, ओ माय गॉड, से ऊंची बिल्डिंग आज जमींदोज हो गई, मात्र 7 से 8 सेकंड का समय और चारों तरफ गुवार ही गुवार, धूल ही धूल, चारों तरफ पूरी तरह से वातावरण कारमय हो गया। एक्सपर्ट की टीम ने इसको ड्रामा कर दिखाया और निश्चित तौर से पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक पल है, ये देखने वाला क्षण था और निश्चित तौर पे हर भारतीयों को आज एक सुखद अनुभव मिला होगा। भ्रष्टाचार पे एक लगाम लगाई गई है, भ्रष्टाचार पे एक जीत हुई है, जिस तरह से मनमाने तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और उसको 7 से 8 सेकंड में न्यायालय के आदेश के बाद इसको जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा वातावरण बुरी तरह से अंधकारमय हो गया है, इसको सेटल होने में कम से कम आधे घंटे का वक्त लगेगा, जो कि पूरी प्रोफेशनल टीम इस पे काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार चारों तरफ के वातावरण में घुल चुका है, आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं की कुछ भी नजर नहीं आ रही थी, बिल्डिंगों में धुएं किस तरह से घुसे हुए थे। इसलिए कहा जा रहा था कि सब लोग घर से बाहर निकल जाएं, बहुत पास में ना जाएं। तो ये थी आज के ब्लॉग में, आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।